गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी सेकेंड यूनिट चल रही थी, संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण। इसके अंदर हमने कल की क्लास में पढ़ा था कपलिंग स्कीम, उसके अंदर जो D2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जो आयन था उसकी जो विपाटन अवस्थाएं है वो हमने पढ़ ली थी। आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो इसमें हम आज की क्लास में क्यूरी का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद में क्यूरी विज का नियम है। ये एक एक नंबर में आते हैं दोनों, क्यूरी का नियम और क्यूरी विज का नियम, ठीक है। और एक हम इसके साथ में पढ़ लेंगे तीसरा म्यू इफेक्टिव और म्यू में रिलेशन है, यानी कि किसी भी संकुल के चुंबकीय आघूर्ण और उसके प्रभावित चुंबकीय आघूर्ण में जो रिलेशन होता है उसको हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें क्यूरी का नियम। अभी जो क्यूरी है वो साइंटिस्ट का नाम था, पूरा नाम था इसका पियरे क्यूरी, ये नहीं पूछ जाएगा पूरा नाम क्या था, क्वेश्चन ये आएगा एक नंबर का कि क्यूरी का नियम क्या था या क्यूरी नियम को समझाइए, एक नंबर में आता है ये, एक से ज्यादा में नहीं आया। तो जो इसका पूरा नाम था पियरे क्यूरी, इसने क्या बताया था वो देखिए, इसने बताया था कि जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों की संशोधित अणुचुंबकीय प्रवृत्ति या उन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको हम क्या लिख रहे हैं काई एम से लिख रहे हैं, और ये किनकी होती है चुंबकीय प्रवृत्ति, उन्हीं पदार्थों की होती है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पदार्थों को हम अणुचुंबकीय पदार्थ है वो कह देंगे। तो अणुचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति है, इसी कारण से इसको अणुचुंबकीय मोलर प्रवृत्ति कहेंगे। यहाँ पे एम लिखा हुआ है तो मोलर है, जी लिखा हुआ होगा तो ग्राम प्रवृत्ति होगी। तो इन्होंने अणुचुंबकीय पदार्थों की जो अणुचुंबकीय मोलर अणुचुंबकीय प्रवृत्ति और जो टेम्परेचर होता है उसके बीच में रिलेशन बताया था। टेम्परेचर भी कौन सा था लिया था इसने, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, परम ताप बोलते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप कौन सा था, वह टेम्परेचर जो केल्विन में शो करते हैं, जो वह टेम्परेचर जो केल्विन में, इन केल्विन यानी एक तो था डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को शो करने का और एक होता है केल्विन में होता है, तो वह ताप जो केल्विन में प्रदर्शित किया जाता है उसे परम ताप कहा जाता है। तो क्यूरी ने अपने नियम में इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया था। तो इसका जो रिलेशन था वो क्या था, क्यूरी के अनुसार पदार्थों की जो अणुचुंबकीय मोलर प्रवृत्ति है वो उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये रिलेशन बताया था इसने। तो क्यूरी के अनुसार पदार्थों की संशोधित अणुचुंबकीय प्रवृत्ति काई एम उनके परम ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और यहाँ पे टी टेम्परेचर कौन सा है जो केल्विन में प्रदर्शित किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, परम ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाएगा इसको, ठीक है। उसके बाद में देखो ये जो व्युत्क्रमानुपाती का साइन है उसको हटाया, तो हटाने के लिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगेगा, तो कॉन्स्टेंट आ गया सी। यहाँ पे जो सी है ये तो थी संशोधित अणुचुंबकीय प्रवृत्ति, ये था परम ताप, ये इस वाले के अंदर इसको हटाने के लिए जो लगा है कॉन्स्टेंट उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूरी कॉन्स्टेंट कहा जाए, यानी ये क्यूरी का स्थिरांक है, क्यूरी कॉन्स्टेंट कहेंगे इसको। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है देखो, क्यूरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू बराबर होती है एन म्यू इफेक्टिव की स्क्वायर, ये स्क्वायर केवल इस म्यू इफेक्टिव की है, अपॉन में 3 की। ये जो क्यूरी कॉन्स्टेंट है वो इसके बराबर होगा एन म्यू इफेक्टिव की स्क्वायर अपॉन में 3 के। अब देखें इसके अंदर ये जो सी की वैल्यू है, इस वैल्यू को हम इस मीटर में सी की जगह रखेंगे तो क्या बनेगा, काई एम इज इक्वल टू एन म्यू इफेक्टिव की स्क्वायर अपॉन में 3 के टी, पहले से था ही 3 के टी, ये बन गया इसके अंदर। अब इस टेम्परेचर में क्या क्या है, सॉरी इस मीटर में क्या है वो देखो, ये संशोधित चुंबकीय प्रवृत्ति थी और ये जो टी था वो परम ताप था। अब इसके अंदर नया क्या है, एक तो आया है एन, एक इसमें आया है के, और एक इसमें आया है म्यू इफेक्टिव,
एक नंबर में आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। तो एन क्या यहाँ पे आओगा दो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10 की पावर 23 मोल। के यहाँ पे क्या है, बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट है, जो बोल्ट्ज़मान नाम का साइंटिस्ट है उसके लिए दिया गया था बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी 1.38 इंटू 10 की पावर -38 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब ये देखें इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड यूनिट। अभी देखिए म्यू इफेक्टिव, ये होता है यहाँ पे इफेक्टिव मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट, हिंदी में इसको बोलेंगे हम प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण। ये पता ही दिया संशोधित अनुचुंबकीय प्रवृत्ति थी, और ये जो टी है वो यहाँ पे परम ताप है, थ्री है कॉन्स्टेंट है ही, इफेक्टिव प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण, एन अवोगाद्रो संख्या, के हो जाएगा बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट। उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, यहाँ से म्यू इफेक्टिव की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो म्यू इफेक्टिव की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में म्यू इफेक्टिव एक साइड में रखेंगे, म्यू इफेक्टिव की स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी सारे इस साइड ले जाएंगे तो काई एम ऊपर है ना, काई एम 3kT भी ऊपर ही चला जाएगा 3kT, ये 3 को पहले लिख देते हैं, ऐसे लिख देंगे k स्मॉल में, और ये जो n है वो कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, इतना लिखते हैं। उसके बाद में जो स्केयर है उसको हटाएंगे तो इस साइड में क्या लगेगा, वर्गमूल लगेगा। तो म्यू इफेक्टिव नहीं प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण है वो किसके बराबर होगा, काई एम के टी अपॉन में एन, और इस पूरे का क्या हो जाएगा रूट। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये था इसके अंदर, ये था पूरा क्यूरी का नियम, जिसके अंदर लास्ट में हमें ये वाली इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में सेकंड नियम देखें, क्यूरी वीज का नियम, उतारे इसको डाले, इसको एक बार एक नंबर में आता है ये वाला क्वेश्चन। अब सेकंड देखें, क्यूरी विज का नियम, जो दूसरा नियम था वो रहेगा क्यूरी विज का नियम, क्यूरी विज क्यूरी विज का नियम वो पढ़ना है। क्यूरी तो पीछे वाला जो क्यूरी का नियम था ना, उसी नियम के अंदर विज नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने संशोधन किया था, फिर एक नया नियम दिया था, उसी के आधार पर इसको बोलते हैं हम क्यूरी विज का नियम, था इसी का नियम, इसने थोड़ा संशोधन कर दिया तो उसको बोल दिया क्यूरी विज का नियम। अब क्यूरी विज था उसने अपना नियम किन के लिए दिया था, इस यूनिट की फर्स्ट क्लास में बताया था, मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस, इसको बोलते हैं हम चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ, मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस। इस यूनिट की फर्स्ट क्लास में इसकी डेफिनेशन भी लिखवाई थी, उसमें लिखा था कि वे पदार्थ जिनके चुंबकीय केंद्र हैं वो एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं, वे पदार्थ जिनके चुंबकीय केंद्र जिनके कारण से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, वे यदि दूर दूर स्थित होते हैं या फिर वे कम संख्या में होते हैं तो उस पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण का मान भी कम होगा, इस कारण से उन पदार्थों को चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ या मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस है वो कहा जाता है। तो इन पदार्थों के लिए जो क्यूरी का नियम था ना, उसको विज ने इन पदार्थों पे चुंबकीय दृष्टि से जो तनु पदार्थ है उनके ऊपर लागू किया था, वो इसने एक समीकरण दी थी, इस कारण से इसको क्यूरी विज का नियम है वो कहा जाएगा। इसके अनुसार जो समीकरण दी थी, उस समीकरण लिखी थी डायरेक्ट सम इज इक्वल टू सी अपॉन में टी, इतना तो था क्यूरी का नियम। उसके बाद में इसने संशोधन किया तो यहाँ पे इसने लगा दिया थीटा। ठीक है, अभी थीटा क्या है, ये थीटा यहाँ पे
विज का कांस्टेंट है, विज स्थिरांक है यहाँ पे, जिसकी यूनिट किसमें होती है, केल्विन में होती है, क्योंकि ये टेम्परेचर के माइनस में लिखा हुआ है ना, तो जो टेम्परेचर यहाँ पे परम ताप है यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन वाला है, तो थीटा की वैल्यू भी किसमें आएगी, केल्विन में आएगी इसके अंदर। अगर समझ में, ये था क्यूरी विज के नियम की समीकरण, यहाँ पे थीटा है वो क्या रहेगा, वाइज कॉन्स्टेंट रहेगा, जिसकी यूनिट किसमें आएगी, केल्विन में आएगी। सिर्फ इतना ही है इसके अंदर, क्यूरी विज का जो नियम है उसके अंदर उतारे इसको यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा टॉपिक देखें अपना, ये दोनों एक एक नंबर में आने वाले क्वेश्चन है। तीसरा टॉपिक अपना रहेगा आज का रिलेशन इन बिटवीन म्यू एंड म्यू इफेक्टिव, यानी चुंबकीय आघूर्ण म्यू तथा प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण म्यू इफेक्टिव, इन दोनों में जो रिलेशन है, इन दोनों में क्या संबंध होता है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ये दो नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, दो से ज्यादा में नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे म्यू और म्यू इफेक्टिव में जो रिलेशन है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, इसमें लिखा था हमने कि किसी भी पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण है वो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल तथा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस के योग के बराबर होता है। पदार्थों में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार कक्षकों में चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे और उसे म्यू एल से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार कक्षकों में चक्कर लगाते हैं, वे इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के भी चक्रण करते हैं, उस चक्रण के कारण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे, जिसे हम म्यू एल से प्रदर्शित करते हैं। अब किसी भी पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण है वो इलेक्ट्रॉनों के कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, इन दोनों के योग के बराबर होते हैं। जब हमने स्पिन ओनली फॉर्मूला पढ़ा था इससे पीछे से पीछे वाली क्लास में, उसके अंदर हमने क्या बताया था, ये जो संक्रमण धातुओं के जो यौगिक बनते हैं या जो संक्रमण यौगिक बनते हैं, जो डी ब्लॉक की धातुओं से बनते हैं, उनके अंदर जो धातु आयन होता है उसके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके द्वारा कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, उनका जो ये कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण होता है वो उन संकुल यौगिकों के जो लिगेंड हैं उनके द्वारा उत्पन्न कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण से विपरीत दिशा में होने के कारण उदासीन कर दिया जाता है। ये लाइन फिर से सुने कि जो संक्रमण धातुओं के यौगिक होते हैं, अर्थात जो डी ब्लॉक की धातुओं के यौगिक होते हैं, उनके अंदर क्या होगा, उन धातु उन यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उस केंद्रीय धातु परमाणु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ये दोनों प्रकार का चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया जाएगा, लेकिन उनका जो कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण है वो उन यौगिकों में जो लिगेंड उपस्थित होते हैं, उन लिगेंडों में भी क्या होता है, कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, उन आघूर्णों उनका जो कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण होता है लिगेंडों का, वो धातु आयन का जो कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण होता है उसके विपरीत दिशा में होने के कारण ये क्या हो जाएगा, संक्रमण धातुओं के यौगिकों में उदासीन हो जाएगा। तो जो संक्रमण धातुओं के यौगिक होते हैं उनका कुल चुंबकीय आघूर्ण म्यू टोटल लगभग उनके चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के योग के बराबर ही होता है। फिर ये फॉर्मूला का था म्यू एस का, हमने क्या था 4s s+1, अब इस s की जगह हमने रखा था n/2, जहां n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको जब सोल्व किया था तो अपना आया था म्यू √(nn+2) बोर मैग्नेट्रॉन, ये यूनिट आई थी चुंबकीय आघूर्ण की। इस फॉर्मूले में जो n है वो क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इतना हमने पढ़ लिया था स्पिन ओनली फॉर्मूला में, ये आ गया था। इसी फॉर्मूले को हमने क्या कहा था, स्पिन ओनली फॉर्मूला है वो
कहा था। इतना लिखने के बाद आगे क्या लिखेंगे, लेकिन जो एवेन्यू वालों के अंदर क्या था, जो म्यू एल की वैल्यू थी ना कक्षक के चुंबक के आघूर्ण, वो लगभग जीरो के बराबर आ गई थी। जब ये जीरो हो जाएगा तो कुल चुंबक के आघूर्ण संक्रमण यौगिकों का है वो लगभग इसके बराबर हो जाएगा। ये बात थी संक्रमण यौगिकों की, जो कि किसमें थे, देव लोक के धातुओं से मिलकर बनने वाले यौगिक। लेकिन चुंबकीय आघूर्ण तो हम एफ ग्लू के जो तत्व है उनका भी याद करेंगे, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है। जो एफ ग्लू एलिमेंट्स होते हैं या एफ ग्लू की जो धातुएं होती हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, उनके अंदर जो म्यू टोटल है इनका फॉर्मूला भी ये लिखा जाएगा, म्यू एन प्लस में म्यू एस ये लिखा जाएगा। लेकिन इनके अंदर होता क्या है, कुल चुंबक आघूर्ण इसके बराबर होगा इनका भी पहले, लेकिन इन यौगिकों में यानी कि एफ ब्लॉक के तत्वों से मिलकर बनने वाले जो यौगिक होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहेंगे, तो इनसे मिलकर बनने वाले यौगिक अंतर संक्रमण यौगिक कहेंगे। तो अंतर संक्रमण जो यौगिक होते हैं या एफ ब्लॉक के तत्वों के जो यौगिक होते हैं, उनके अंदर उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला जो दो प्रकार का चुंबकीय आघूर्ण होता है, उसमें जो कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण है वो लिगेंडो के कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण से उदासीन नहीं किया जा सकता है। कारण ये होता है कि जो एफ ब्लॉक के तत्व है उनके अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके कारण से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, वो एन माइनस टू एफ कक्षक में उपस्थित है, जबकि डी ब्लॉक वाले में ये एन माइनस वन डी कक्षक में उपस्थित थे। इनकी तुलना में ये वाला कक्षक अंदर किस तत्व होता है, यानी एन माइनस वन डी ये है तो एन माइनस टू एफ है वो यहाँ पे होगा, इससे पहले वाला हुआ। जैसे ये हो गया फाइव डी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसके अंदर फोर एफ हो जाएगा। तो एक तो इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ये तो था संक्रमण तत्वों के यौगिकों में, ये था एफ ब्लॉक के या अंतर संक्रमण तत्वों के यौगिकों में। अब लिगेंड यहाँ पे है, ये जो कक्षक था जो संक्रमण यौगिकों का जो 5d कक्षक था जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे जो कि ये दो प्रकार का चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन है वो या फिर वो कक्षक है वो लिगेंड के क्या पास में, इस कारण से ये जो लिगेंड है वो प्रतिकर्षण के कारण इस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। इस कारण से संक्रमण यौगिकों में हमने म्यू एल को क्या माना था, जीरो माना था, लेकिन अंतर संक्रमण तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो जिनके कारण से दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन बहुत अंदर के एन कक्षकों में उपस्थित होते हैं, इस कारण से उनके जो कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण पर लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण से एफ ग्लो के तत्वों के जो यौगिक है उनका कुल चुंबकीय आघूर्ण उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण के योग के बराबर होता है। तो इसके अंदर हम म्यू एल को नगण्य नहीं मानेंगे, क्योंकि इनका जो म्यू एल है वो लिगेंडो के द्वारा दूरी अधिक होने के कारण से उदासी नहीं हो पाता है। तो अब स्पिन ओनली फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं, क्योंकि स्पिन ओनली फॉर्मूला तो केवल इसके कारण से आया था। अब ये एड करेंगे तो यहाँ पे ये म्यू टोटल नहीं रह के क्या बनेगा, म्यू इफेक्टिव रहेगा, यानी प्रभावी नाभिक क्या इस बोलेंगे इसको, सॉरी प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण बोलेंगे। डीप ब्लॉक वालों में तो इसको क्या बोले थे हम, जब ये नहीं था तब हम इसको क्या बोले थे, चुंबकीय आघूर्ण बोल रहे थे, जो केवल किसके बराबर था, म्यू एस के बराबर था। लेकिन म्यू इफेक्टिव है वो किसके बराबर होता है, प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण के योग के बराबर होगा। तो रिलेशन देखें, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू एल प्लस में म्यू एस को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके क्या है, संक्रमण यौगिकों में लगभग क्या है, बराबर है। ये था इन दोनों में रिलेशन, म्यू इफेक्टिव और म्यू में ये वाला रिलेशन था, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण में कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण को जोड़ने से हमें म्यू इफेक्टिव की वैल्यू है वो प्राप्त होती है, वैसे रिलेशन था ये इसके अंदर। उसके बाद इसमें आगे देखें किस प्रकार सोल्व करेंगे इसको, तो म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू एल को हमने कैपिटल एल लिख दिया, जब इन दोनों का जो योग करेंगे ना उसमें देखो क्या आएगा, म्यू इफेक्टिव किसके बराबर होगा, देखो
इनका जो फॉर्मूला था वो क्या रहेगा, इसके कारण से रहेगा एल एल प्लस वन प्लस में फोर एस एस प्लस वन। ये वाला तो किसका है, म्यू एस की वैल्यू है, और ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है, उसकी वैल्यू है। तो एल इस पूरे को हमने कैपिटल एल लिख दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर एस एस प्लस वन, ये ब्रैकेट में आएगा। इसको सोल्व करने के बाद में फॉर्मूला क्या आएगा अपना वो देखें, एल प्लस में रूट में एन एन प्लस टू जो हम पहले सोल्व कर चुके हैं ये आएगा। उसके बाद देखें एक म्यू इफेक्टिव और म्यू में रिलेशन कैसे लिखेंगे हम, ये म्यू के बराबर है, ये जो चल रहा है ना वो म्यू के बराबर है, तो इसको हम वापस क्या लिख देते हैं, म्यू लिख देते हैं। म्यू इफेक्टिव प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस लिख देते हैं, क्योंकि म्यू लिखे या फिर म्यू है वो संक्रमण धातु में लगभग म्यू एस के बराबर था, ये लिख दिया। तो अब इसका आएगा वन माइनस एल्फा लेमडा अपॉन मी, ये क्या है यहाँ पे एक पृष्ठ क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। मान लीजिए हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं कि एक अष्टफलकीय संकुल के लिए, यहाँ पे लिखने लाइन, एक अष्टफलकीय संकुल के लिए म्यू इफेक्टिव व म्यू एस में निम्न संबंध होता है। जब अष्टफलकीय संकुल ऑक्टाहेड्रल ले लिया तो यहाँ पे जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा होगी वो किसके लिए लिखी जाएगी, ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखी जाएगी। तब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डेल्टा ओ लिख दिया। तो एक अष्टफलकीय संकुल के लिए, संकुल के लिए म्यू इफेक्टिव था, म्यू एस में रिलेशन है, वो निम्न प्रकार से होगा, ये लिख दिया। अब इसके अंदर देखें क्या है, ये तो क्या है, म्यू इफेक्टिव प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण, ये है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है एल, ये क्या हो जाएगी, डेल्टा ओ है वो क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले में, सी एफ एस ई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी अष्टफलकीय संकुल की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा एल्फा है वो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है, जो कि ग्राउंड स्टेट पे डिपेंड करता है, ग्राउंड स्टेट के ट्रम्प सिंबल पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें दी भी आएगी, और जो लेमडा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और नेगेटिव में भी हो सकती है। अब देखें डी जीरो वो अष्टफलकीय संकुल जिसके लिए हम ये ज्ञात कर रहे हैं, उस अष्टफलकीय संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु का विन्यास डी जीरो हो, डी फाइव हो या डी टेन हो, तब लेमडा की वैल्यू है वो क्या आएगी, जीरो आएगी। डी वन डी टू डी थ्री डी फोर उसके लिए लेमडा की वैल्यू है वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। और डी सिक्स डी सेवन डी एट और डी नाइन, डी जीरो से डी टेन तक हो गए, तीन अलग कर लिए, फिर फोर्थ तक रीच गए और सिक्स से नाइन तक, उनके लिए लेमडा की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, वो हमें जो अष्टफलकीय संकुल होता है जिसके लिए हम म्यू इफेक्टिव और म्यू एस में जो रिलेशन ज्ञात करते हैं उसके लिए क्या आएगा, इसके अंदर जो केंद्रीय धातु आयन होगा उस संकुल का, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। यदि वो इन तीनों में से कोई है तो लेमडा की जगह जीरो रख देंगे, इन चारों में से कोई है तो उसकी जगह हम उसकी वैल्यू नेगेटिव है, सॉरी इसकी पॉजिटिव में और इसकी नेगेटिव, इसे इनके लिए आएगी पॉजिटिव में, और इन चारों यदि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है केंद्रीय धातु आयन का तो उसके लिए लेमडा की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में लिखी जाएगी। ये था म्यू इफेक्टिव और म्यू एस में रिलेशन, ये वाला रहे, ठीक है। उसके बाद आज का ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो संकुल हैं, ये जो चुंबकीय जो जितना भी पढ़ा है हमने मैग्नेटिक डाटा है उससे हमें जो संकुल है उनका चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।